अभी अब धीरे धीरे आप देखना कि सूबेदार भी सिपाही से कम पेंशन लेना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों यह जादू है, यही तो कमाल है दोस्तों ओआरओपी का। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हवलदार की पेंशन हुई सिपाही से भी कम। और हवलदार की तो छोड़िए दोस्तों, भविष्य में नायब सूबेदार, सूबेदार तक की पेंशन सिपाही से कम होने वाली है। इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और दोस्तों बिल्कुल हकीकत है ये इस चीज को। और पूरी वीडियो देखने के बाद जरूर दोस्तों इसमें कमेंट जरूर करना कि आपको ओआरओपी से फायदा एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। और ये केवल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई पेंशनर्स कमेंट्स करते रहते हैं कि ओआरओपी को बंद कर देना चाहिए, हमें इस रैंक को फायदा नहीं हो रहा है या जो भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। अच्छा जी, पहले तो आपको मैं एक ईमेल दिखाता हूं कि एक एमएससीपी हवलदार जी ने मुझे कमेंट किया है। आप देख रहे हैं भावेश सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स सर। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एआरडी रेजिमेंट क्वालिफाइंग सर्विस, 16 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल में ये आते हैं। 2016 में रिटायर हुए हैं और रैंक हेल्ड बताते हैं नायक, नायक में ये रिटायरमेंट हुए हैं, सबसेंट रैंक था इनका। उसके बाद जो है इनको एमएससीपी मिली हवलदार वाली, ठीक है ना। तो और आपको पता ही है दोस्तों कि ओआरओपी में क्या होता है कि चाहे सिपाही भी है, अगर वो एमएससीपी हवलदार है, एसीपी उनको मिला हुआ है, तो उनको ओआरओपी के तहत एमएससीपी या एसीपी हवलदार, जितना चाहे वो सबसेंट हवलदार ही ले रहा होगा, उसी के बराबर पेंशन मिलती है। लेकिन ये लिखते हैं कि मैं 2016 में तो रिटायर हुआ, लेकिन जो है इनको नायक ACP 1 मिली। नायक ACP 1 का मतलब होता है दोस्तों हवलदार के बराबर पेंशन मिली। आपको पता ही है दोस्तों कि 1 जनवरी 2016 से 7वां पे कमीशन लागू हुआ, लेकिन जो 2016 में आए थे उनका क्या हुआ, उस समय पहले वो 6वें पे कमीशन में ही चल रहे थे, लेकिन जब पेंशन आने के बाद भी उनकी पेंशन रिवाइज हुई बाद में, पहले तो सर्विस पेंशन जो सर्विस में थे उनकी रिवाइज हुई, बाद में जो पेंशनर्स थे उनकी रिवाइज हो, तो उनके अकॉर्डिंग जो है पहले तो उनको कम मिल रही थी 6वें पे कमीशन के अनुसार, नायक रैंक पे 7,535 रुपये। लेकिन जब उनका कॉरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ बाद में 7वें पे कमीशन के बाद, रिटायरमेंट आने के बाद, तो उनकी बेसिक कर दी गई 20,200 रुपये, यानी कि एक हवलदार को 20,200 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो गई। तो वो कहते हैं कि इज इट ट्रू कि मैं आज की डेट में भी एक हवलदार होने के नाते 20,200 ही पेंशन ले रहा हूं, क्या मेरी कभी जिंदगी में बढ़ेगी नहीं पेंशन? जी हाँ दोस्तों, ये एक तो बिल्कुल ट्रू, यह सत्य है कि इनका जो 20,200 रुपये है हवलदार के रूप में, इनको बिल्कुल सही मिल रही है। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कभी इनकी पेंशन बढ़ेगी भी? इन्होंने, क्योंकि आप मैसेज देख ही रहे हैं, उन्होंने पूछा है मेरे को कि क्या कभी इनकी पेंशन बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। तो इस पर कई सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। मैंने इनको बताया है कि आपको जो पेंशन मिल रही है 20,200 रुपये बिल्कुल सही मिल रही है, और इसी प्रकार के दूसरे पेंशनर्स भी हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, जो हवलदार रैंक की पेंशन अभी भी कम ले रहे हैं, वो भी सिपाही से भी कम ले रहे हैं दोस्तों। वो तो बात छोड़ दीजिए कि जो एमएससीपी हवलदार हैं सिपाही से भी कम ले रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप पीपीओ खुद ही देख लीजिए। यहां पर यह है एक पीपीओ दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि ये सबसे लास्ट रैंक तो इनका नायक है, लेकिन आप पे लेवल देख रहे होंगे इनका L05, यानी कि हवलदार की पेंशन इनको मिल रही है। इन्होंने सर्विस की है 17 साल 2 महीने 23 दिन, तो यानी कि 17 साल ही लगा लीजिए जो क्वालिफाइंग सर्विस है वहां पर। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं इनको, इनकी बेसिक है आज की डेट में भी 20,650 रुपये। और इस चीज के लिए दोस्तों मैं आपको इनकी पेंशन स्लिप भी दिखा देता हूं, अगस्त 2024 की 20,650 इनकी बेसिक पेंशन मिल रही है, और हवलदार रैंक की। और आप सोचेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि आप ये देखिए एक सिपाही है ना दोस्तों, ये वाई ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना, एक्स ग्रुप भी शामिल है इसमें, लेकिन वाई ग्रुप एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। उसी के अनुसार आप देख रहे हैं दोस्तों, जो वाई ग्रुप के सिपाही थे केवल, वो ओआरओपी टू में जिनकी 17 साल सर्विस थी, वो 18,807 रुपये ले रहे थे, लेकिन उनकी बढ़कर के अब 20,463 रुपये हो चुकी है, ठीक है, ये सिपाही की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी थोड़ा सा बात आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि जिनकी आपने 24,200 देखी थी, कोई 20,200 देखी थी और 20,650 रुपये देखी थी, उनकी वही चलती रहेगी। लेकिन आप यहां पर देखिए ORP 3 में और ORP 2 में 16.5 से लेकर 17 साल, यानी कि 17 साल के जो हवलदार थे उनको ORP में 21,782 रुपये उनकी हो गई, लेकिन अब ORP 3 में तीसरे रिवीजन में उनकी 22,476 रुपये। चाहे वो सिपाही भी रहे हो दोस्तों, ऐसी बात नहीं, वो सिपाही भी रहे हो, लेकिन उनको ACP या MACP हवलदार मिला हो, तो उनकी अब ORP तीसरे रिवीजन के तहत
22,000 जिन्होंने 17 साल की है, 22,476 रुपए हो चुकी है। लेकिन जिन्होंने जिनका आप पे स्लिप देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे मैसेज किया है उनकी उतनी रहेगी 20,650 रुपए। अब देखिए दोस्तों इसके अब इसके आगे भी बताऊंगा दोस्तों कि अभी आप नायब सूबेदार का आप यहां पर देख रहे होंगे, मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको नायब सूबेदार का भी अगर उन्होंने 17.5 साल किया है तो अभी कितना ले रहे हो, 24,425 रुपए। लेकिन अभी धीरे धीरे देखना अभी सूबेदार का क्या है, सूबेदार आप देख रहे हैं 20.5 साल में 27,100 रुपए ले रहे हैं। लेकिन अभी अब धीरे धीरे आप देखना कि सूबेदार भी सिपाही से कम पेंशन लेना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों यह जादू है, यही तो कमाल है दोस्तों ओआरओ का, और इसी के बारे में आपसे मैंने कमेंट में सवाल पूछा है जो कि आप वीडियो को देखने के बाद देंगे। अब देखिए दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि इनका कभी पेंशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिए दोस्तों इनके प्रति भी आप अपनी जरूर संपत्ति रखना कि इनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ेगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए जो बंदे जो भी सिपाही हो, नायक हवलदार हो, चाहे कोई भी सेना के अंदर, जो 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मैच्योर रिटायरी आए हैं ऑन रिक्वेस्ट पर, किसी भी रैंक पर आए हो दोस्तों, तो उनकी पेंशन जो आप उस समय आए थे ना दोस्तों उनकी वहीं पर रुक जाती है, ठीक है ना। उसके बाद उनकी पेंशन नहीं बढ़ती है ओआरओपी के तहत में। और आप देख रहे हैं 2016 के बाद, अब 1 जुलाई 2014 के बाद क्या पे कमीशन आया, 7वां पे कमीशन आया 1 जनवरी 2016 को। अब 2016 या फिर 1 जुलाई 2014 के बाद जो भी प्रीमैच्योर रिटायरी आए हैं तो जो उनकी पेंशन मिल रही थी दोस्तों आज तक वही पा रहे हैं। 16 से पहले के बाद तो उनका 16 में थोड़ा रिवाइज हुआ, क्योंकि सबका फॉर्मूला लगता है जो पे कमीशन होता है, चाहे उसमें चाहे ओआरओपी ले रहे हो चाहे नहीं भी ले रहे हो, सभी का फॉर्मूला लगता है। जैसे 2.57 लगा था तो वो सबका लगा, तो उस समय बड़ा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए, कई कमेंट करते रहते हैं कि ओआरओपी में कुछ फायदा नहीं हुआ, इसे बंद कर देना चाहिए या कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक सिपाही हो, सिपाही से लेकर कोई भी रैंक हो, डिफेंस पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, डिफेंस पर्सनल की बात। देखिए एक डिफेंस पर्सनल की पेंशन, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पेंशन की बात कर रहा हूं। एक ओआरओपी के आने से डिफेंस पर्सनल की पेंशन 10 साल में 3 बार बढ़ती है दोस्तों, 3 बार। आप देखिए कैसे, क्योंकि 10 साल में क्या होता है दोस्तों, 2 तो ओआरओपी आ जाती हैं, ठीक है, 2 ओआरओपी आ जाती हैं और 1 पे कमीशन आ जाता है, 3 बार उसकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। और लगभग लगभग आपने देखा होगा दोस्तों कि हालांकि मैं अभी जेसीओ सूबेदार की बात नहीं करूंगा, क्योंकि 2016 में पे कमीशन में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि जो सर्विस में थे उनकी ही जो सैलरी थी उस हिसाब से, किस हिसाब से फिक्स की गई आपको पता ही है कि उनकी सैलरी और जो बाद में पेंशन आने लगे तो उनकी पेंशन 2016 से पहले वालों से ही कम हो गई। अब कम हो गई तो इससे नुकसान किसका हुआ कि 2016 वालों का अभी तक नहीं बढ़ पाया, जो सूबेदार रैंक के थे, खासकर नायब सूबेदार की तो हालांकि ओआरओपी 3 में बढ़ी है लेकिन सूबेदार साहब वहीं पर ठहर गए। लेकिन जो मैंने बात की है कि ओआरओपी के आने से एक जवान की पेंशन, डिफेंस पर्सनल की पेंशन 3 बार बढ़ती है, और आपने देखा होगा दोस्तों चाहे सिपाही हो चाहे हवलदार हो, तकरीबन अगर मैं लगाऊं दोस्तों 8-10% एक ओआरओपी में बढ़ी, 8-10% दूसरी ओआरओपी में बढ़ी उनकी, तकरीबन सभी की नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से भी यह चलता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पे कमीशन आ जाता है, पे कमीशन में 20% भी बढ़ सकती है, 30% भी बढ़ सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो तकरीबन 10 साल के अंदर 50 या 60% आपकी पेंशन बढ़ सकती है 10 साल के अंदर, जो मैं लमसम एवरेज लगा रहा हूं, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन ये उनके लिए है 50-60% जो ओआरओपी ले रहे हैं। लेकिन जो ओआरओपी नहीं ले रहे हैं, जो कि मुझे सवाल पूछा जा रहा था, जो मैंने आपको मेल भी दिखाई थी और जिनका मैंने पीपीओ भी दिखाया था, उनका यह सवाल है कि हमारी पेंशन कम क्यों आ रही है, मुझसे ज्यादा तो सिपाही पेंशन ले रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ओआरओपी का फंडा क्या है। देखिए वो तो वहीं पर अटक गए, भले उनको एमएससीपी भी मिली है, एसीपी भी मिली है, लेकिन वो वहीं पर अटक गए 20,200 पर, 20,650 पर, उनकी पेंशन आज तक नहीं बढ़ी है, क्योंकि 2016 के बाद 2 ओआरओपी आ चुकी हैं 2019 में, और अब ये आ गई है आपके 2024 में, इसके बाद पे कमीशन है। दोनों में एक सिपाही उनको क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना, हवलदार ने तो दोस्तों क्रॉस करना ही है, हवलदार की पेंशन तो ऑलरेडी उनकी बेसिक से जो है कम से कम 2 से 2,500 रुपए बढ़ चुकी है, 2 से 2,500 रुपए उनकी बेसिक से बढ़ चुकी है, जो कि हवलदार आए थे प्री मैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट पर। अब मैं केवल हवलदार की, आप सोच रहे हैं केवल हवलदार की बात क्यों कर रहे हैं, ये हर रैंक की बात कर रहा हूं दोस्तों। और अभी धीरे धीरे देखना, आप धीरे धीरे देखना कि अभी तो नायब सूबेदार आप देख रहे हैं, यहां पर नायब सूबेदार कितना ले रहे हैं,
नायब सूबेदार अभी 17-17.5 साल में 24,500 रुपए ले रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रीमेच्योर रिटायरी आए होंगे ना दोस्तों, वो तो इतना ही लेते रहेंगे ना। लेकिन सिपाही जिसकी आज की डेट में पेंशन हो चुकी है, जो कि वो ले रहा है क्या, ओआरओपी ले रहा है, ओआरओपी का बेनिफिट जिसको मिल रहा है, वह सिपाही 20,463 रुपए पर पहुंच चुका है, 20,463 रुपए पर। और हवलदार का भी जो ले रहा है वो भी 22,476 पर पहुंच चुका है। तो अगली जब एक दो ओआरओपी आएंगी ना दोस्तों, तो यही सिपाही नायब सूबेदार को भी क्रॉस कर जाएंगे, सिपाही भी क्रॉस कर जाएंगे, दो या तीन या चार ओआरओपी में तो सिपाही क्रॉस कर जाएगा। और जो हवलदार हैं वो तीन चार जो ओआरओपी लागू होंगी उसमें वो सूबेदार को भी क्रॉस कर जाएगा। किस सूबेदार को क्रॉस करेगा, जिन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरी आए हैं और ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं। मैंने इनको पूछा भी था कि भाई आप क्या आए हैं, प्रीमेच्योर आए हैं क्या आए हैं, आप मुझे यह बताइए। अब ये इनका कहना था कि मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए जो है मुझे घर आना पड़ा और यह मुझे मिल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि उस हिसाब से तो आपको बिल्कुल ठीक मिल रही है, आपकी पेंशन नहीं बढ़ने वाली। तो एक तरफ से तो इनका यह क्लियर हुआ, इन्होंने कहा कि थैंक्सफुल क्लियर दिस थिंग कि भाई मुझे सही मिल रही है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई सिपाही मेरे से या फिर जो और मेरे साथ के जो वो हैं एमएससीपी हवलदार वगैरह जो अभी आ रहे हैं वो मेरे से ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा क्यों ले रहे हैं, मेरी क्यों नहीं बढ़ रही, ये चीज तो मेरी क्लियर है, लेकिन मेरी चिंता यह है कि क्या भविष्य में मेरी भी पेंशन कभी बढ़ेगी। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया दोस्तों, बढ़ेगी। 10 साल में जिनको ओआरओपी मिल रही है उनकी 3 बार बढ़ेगी, और जिनको नहीं मिल रही यानी कि जो प्री मैच्योर रिटायरी आए हैं उनकी केवल 1 बार बढ़ेगी दोस्तों। और अब 8वां पे कमीशन आना है 1 जनवरी 2016 से, तो उस समय उनकी पेंशन बढ़ेगी। उस समय क्या होगा, चाहे वो सैलरीड हो चाहे वो पेंशनर्स हो, उनके ऊपर जो है जो फॉर्मूला लगेगा वो सबके ऊपर लगेगा, चाहे वो ओआरओपी पेंशनर्स हैं, वो ओआरओपी ले रहे हों चाहे नहीं ले रहे हों, लेकिन फॉर्मूला सबके ऊपर एक लगेगा। लेकिन दोस्तों फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला तो सीधा सपोज 2 गुना लग गया कि मल्टीप्लीकेशन 2.00 हो गया, यानी कि 2 गुना आपकी सैलरी या पेंशन बढ़नी है। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं दोस्तों, जो ओआरओपी ले रहा है तो वो हवलदार की तो जो है 22,994 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जो पीएमआर आया है उसकी किससे होगी, 20,650 से या 20,200 से, आप खुद ही लगा लीजिए। तो वहां पर भी मतलब यहाँ पे जस्टिफिकेशन तो केवल इसका यह है कि सभी को बराबर उनकी वृद्धि हुई है जो मल्टीप्लीकेशन में होता है, लेकिन ओआरओपी के तहत अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है, आप इस चीज को कमेंट्स में जरूर लिखना दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर नुकसान, अब कई कह रहे हैं कि मेरी तो यार 500 रुपये बढ़ी है, मेरी 200 ही बढ़ी, मेरी बढ़ी ही नहीं है, लेकिन दोस्तों भविष्य में जरूर बढ़ेगी आपकी, कोई बात नहीं, ओआरओपी लागू है। मैं इस चीज को नहीं कहता हूँ कि नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि पेंशन के दोस्तों इतने बड़े वो रहते हैं ना, अब क्या बताऊं मैं आपको, कि कहीं ना कहीं हर कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है, और जो ओआरओपी का फार्मूला है उससे भी कोई संतुष्ट सही तरीके से नहीं रह पाएगा, जबकि ओआरओपी जिस चीज के लिए लागू किए गए हैं दोस्तों, कि जो पुराने पेंशनर्स हैं जिनको कम पेंशन मिल रही थी तो उनको आज की लेवल तक लेकर के आना। तो अगर आज का ही जो पेंशनर्स है जो 2018 में आ रहा है, 2019 में आ रहा है, 2023 में आ रहा है, वो कम पेंशन ले रहा है, तो आपकी किस हिसाब से बढ़ सकती है, आप खुद ही मतलब भावनाओं के तौर पे अगर आप लोगों की, मुझे मेरी भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ दोस्तों मैं भावनाओं के ऊपर कम काम करता हूँ, मैं कैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ, कि यदि जो है आज की डेट का जो सेना में भर्ती है आने के बाद अभी अभी रिटायरमेंट आ रहा है उसकी पेंशन ही आपसे कम है तो आपकी कैसे बढ़ जाएगी। तो ओआरओपी तो बेसिकली इसी चीज के लिए लागू की गई थी कि पुराने लोगों को आज की डेट में लेकर के आना। अब आज का कम लेगा तो आपका बढ़ना नामुमकिन है, वो सीधी सी बात है। हाँ अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। बाकी राजनीति तो दोस्तों मुझे राजनीति का मतलब नहीं पता होता, राजनीति में तो कई बातें चलती हैं, कई प्रकार की बातें चलती हैं, उस चीज को मैं लेकर के नहीं चलता हूँ। लेकिन दोस्तों इस चीज को आपको समझना होगा कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो प्री मैच्योर रिटायरी को हुआ है, और आज भी हुआ है और पूरे भविष्य में भी होता रहेगा। हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है कि ऐसा नहीं कि उनकी कभी जिंदगी में बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ेगी उनकी केवल पे कमीशन में 10 साल में 1 बार, या फिर आपको पता ही है कि कई प्रीमेच्योर रिटायरी ने वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट के माध्यम से जो है कोर्ट में दिल्ली एफटी में उन्होंने अपना केस भी फाइल किया है कि भाई हमको नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों, क्योंकि जो है 1 जुलाई 2014 से पहले के प्रीमेच्योर रिटायरी तो सारे कवर हैं, उनका तो हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके बाद जो आए हैं उनका नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको भेदभाव सा नजर आता है, आप खुद ही देख रहे होंगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो नजर आता ही है, कि एक पक्ष को आप दे रहे हैं दूसरे पक्ष को नहीं दे रहे हैं, या तो फिर किसी को भी नहीं देते तब तो बात अलग थी, लेकिन आप एक पक्ष को दे रहे हैं और दूसरे पक्ष को नहीं दे रहे हैं, तो वो
डिस्क्रिमिनेशन सा नजर आता है, इसलिए बुरा लगता है जो 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मैच्योर रिटायरी आए हैं, उनको बुरा लगेगा ही कि चलो यार ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं, प्री मैच्योर रिटायरी जरूरी नहीं है कि आदमी किस, उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं तभी जा करके वो प्री मैच्योर रिटायरी। अब कोई बोलेगा कि हम सेना से ही तंग होकर के आए हैं, क्योंकि मैंने कईयों को देखा है दोस्तों, हमारे ही अंदर के लोग यह कहते हैं कि यार उनका बस का नहीं था इसलिए निकल गए फौज से, उनको मिलना भी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ फैमिली कंडीशंस भी होती हैं, कुछ स्वास्थ्य की कंडीशंस होती हैं, कई चीजें होती है दोस्तों, उन चीजों को देखते हुए कई लोग प्री मैच्योर रिटायरी आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों, वो जितनी भी सर्विस करते हैं बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड सर्विस करते हैं। कभी आप नोट करना दोस्तों, जो 15-17 साल में या 20-22 साल में, अगर 22-23 साल में कोई जेशो बन गया है नायब सूबेदारी में, अगर वो आ रहा है तो क्यों आ रहा है दोस्तों? वो इसलिए नहीं आ रहा कि मैं नायब सूबेदार बन रहा हूँ मेरा मतलब निकल गया, इसलिए नहीं। या फिर कोई हवलदार बन गया है, वो मेरा मतलब निकल गया, मेरी पेंशन बन जाएगी, या किसी ने 15 साल कर ली मतलब निकल जाएगा, यह सबके साथ नहीं होता है दोस्तों। उनकी कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं और वो अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, चाहे वो सेना के अंदर हो, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो या फिर समाज के प्रति हो, वो डेडिकेटेड रहते हैं। इसलिए उनको जहां इंपॉर्टेंस लगती है कि चलो हमने सेना में सब कुछ दिया, अब आज हमको हमारी जरूरत है, हमारे परिवार को जरूरत है, समाज में हमारी जरूरत है, कहीं ना कहीं तभी जाके वो सेना से प्री मैच्योर रिटायरमेंट आते हैं। तो जो कुछ लोग यह सोचते हैं ना कि वो उनका बस का नहीं था, तो यह गलत धारणा है, क्योंकि मैंने कईयों से सुना है और हमारी कम्युनिटी में यह चीज कहते हैं, वो चीज बहुत गलत है। हालांकि आने के बाद भी देखो, जिसके अंदर काबिलियत होगी तो वो सेना में भी अच्छा करेगा, सिविल में भी अच्छा करेगा, कहीं ना कहीं सेटल भी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, 1 जुलाई 2014 से पहले अलग कर दिया जाए, उसके बाद अलग कर दिया जाए। अगर मिलना चाहिए तो सभी को मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों आपके अपने अपने राय हैं कि, और मैं फिर एक बार पूछना भी चाहूंगा आपको कि क्या ORP को लागू करने से आपका फायदा हुआ है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दोस्तों, और भविष्य में भी आपका फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों जो थोड़ा बहुत विसंगतियां हैं वो चलती रहेंगी। मैं आपको बताऊं, कोई भी हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, संतुष्ट नहीं हो सकता है। आप किसी को कुछ भी दे दीजिए, किसी को अगर आप ज्यादा मीठा दे देंगे दोस्तों तो कोई कुछ तो खुश हो जाएंगे, कुछ यह परेशान हो जाएंगे कि मुझे इससे शुगर हो जाएगा। किसी को अगर आप कड़वा देखेंगे कि स्वास्थ्य के लिए ठीक है तो कुछ तो ठीक तो खुश हो जाएंगे कि हाँ यार यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन कई लोग परेशान भी हो जाएंगे कि नहीं यार ये कड़वा खाने के लिए दे दिया। तो मतलब कुल मिलाकर के हर किसी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में जाकर के लिखिए कि वाकई में क्या ORP का आपको फायदा मिला है, और फायदा मिला है तो दोस्तों मैंने कंपैरिजन प्री मैच्योर रिटायरी से दोस्तों आपको इसलिए किया क्योंकि आप जिनको नुकसान हो रहा है उनका देखिए आप कि उनको जो है अगर ORP नहीं मिली है तो वो आपसे कितना लेवल पीछे हैं। एक हवलदार सिपाही से नीचे पहुंच चुका है और भविष्य में जो है एक नायब सूबेदार भी पीछे पहुंच जाएगा उस सिपाही से जिनको ORP का फायदा मिल रहा है। और जो नायब सूबेदार अगर बाई चांस किसी मजबूरी की वजह से प्री मैच्योर रिटायर आए होंगे ओन रिक्वेस्ट पर, तो वो उतना ही लेते रहेंगे, लेकिन एक सिपाही अगले 15-20 साल में उनसे आगे निकल जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी अपनी अपनी राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।